नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू MBATrainer। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की जो हमारी डेट है वो है 20th of March 2020 और आज का दिन है फ्राइडे का। बीते कल मतलब थर्सडे को 19 तारीख को पीएम मोदी साहब जो हैं वो 8 बजे आके उन्होंने एक देश के नाम, एक राष्ट्र के नाम एक संदेश दिया। तो आज की क्लास इसी पर आधारित है, पीएम मोदी साहब का राष्ट्र के नाम संदेश। तो मोदी साहब ने क्या मैसेज दिया देश को, क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, क्या सीखने लायक चीज़ है और हम मुझको और आपको हम सबको क्या करना चाहिए इस कठिन दौर में कोरोना वायरस कोविड-19 के वक्त पे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास आप जहाँ पर भी देख रहे होंगे, चाहे यूट्यूब में चाहे फेसबुक में, आप चाहें तो MBATrainer के यूट्यूब चैनल में जा सकते हैं, MBATrainer सौरभ ठाकुर में, और उस तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। एक बार क्लास फिनिश कर लेंगे तो आप टेलीग्राम चैनल सौरभ सर ऑफिशियल में चाहें तो जा सकते हैं वहाँ पर और इसकी क्लास का PDF ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पीएम मोदी साहब का राष्ट्र के नाम संदेश, मोदी साहब का संदेश समझने के पहले ये समझते हैं कि अभी की तात्कालिक स्थिति क्या है। कोरोना वायरस जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने पहले भी आपको स्टार्टिंग में बताया, आज की जो डेट है वो 20th of March मतलब फ्राइडे का दिन है आज 2020 का। आज ऑलमोस्ट अनफॉर्चुनेटली 2.5 लाख लोग प्रभावित हैं इससे, 10,000 से ज़्यादा डेथ हो चुकी हैं और 88,000 के आसपास लोग रिकवर कर चुके हैं। एक्टिव केसेस ऑलमोस्ट 1.5 लाख हैं और क्लोज्ड केसेस हैं तकरीबन 1 लाख के आसपास, राइट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ऑल ऑफ अ सडन अभी और तेज़ राइज आया। आपको ध्यान होगा तो मैं आपको कई बार एक्सपोनेंशियल बोलता था, ज़रा इस राइज को देखिए और तेज़ राइज है, चाहे टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं चाहे डेथ्स हैं। अब देखिए टॉप कंट्रीज़ जो हैं, अब ज़रा चाइना का नंबर देखिए। चाइना तो खैर अब उनका कहना है कि पिछले दो दिन से कोई एक भी नंबर नहीं बढ़ा था, हालांकि बीते कल ऑलमोस्ट 40 लोग के नंबर बढ़ा है तो वो 80,800 के आसपास ही थे, तो 80,900 मतलब 81,000 के आसपास। इटली, आप इटली को देखिए तो आपने पिछले 24 घंटे में न्यूज़ देखा होगा, इटली जो है नंबर ऑफ डेथ्स में अनफॉर्चुनेटली चाइना को सरपास कर गया और अभी अनफॉर्चुनेटली सबसे ज़्यादा डेथ इटली में हुई है। इसके अलावा आता है ईरान। तो खैर ईरान तो रहना मतलब यहाँ पे तो खैर रहेगा ही। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी, क्योंकि इतने सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। आई एम सॉरी टू से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नंबर और ज़्यादा बढ़ेगा अभी। इसके बाद आता है स्पेन, जर्मनी, US और बाकी लिस्ट आप पॉज करके देखिएगा। इंडिया कहाँ पे है, तो इंडिया यहाँ कहाँ मिलेगा, इंडिया में तो अभी 200 के आसपास केसेस हैं। अभी जब मैं आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 206 केस मतलब 200 के आसपास केस इंडिया में, राइट। अब एक बार ज़रा सारे के सारे केसेस को थोड़ा समझते हैं। टॉप 6 कंट्रीज़ देखिए, चाइना था, फिर था इटली, फिर था ईरान, स्पेन, जर्मनी, US। आपको लगेगा सर आप तो मोदी साहब की स्पीच बताने वाले थे। बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन आपको उस स्पीच की गंभीरता और सिंसियरिटी तब समझ में आएगी जब आपको ये समझ में आएगा कि मोदी साहब ने जो बोला है वो क्यों बोला है। देखिए चाइना तो कम्युनिस्ट राष्ट्र है, पता नहीं कितना भरोसा करना चाहिए इस डेटा पे। चलो WHO मानता तो मैं भी बोलता हूँ, ठीक है। अगर चाइना कहना है 80,000 मतलब 81,000 के आसपास, तो जैसा कि मैंने कहा कि चाइना एक कम्युनिस्ट राष्ट्र है तो बहुत ज़्यादा तो इस डेटा को हम लोग मान नहीं सकते, सही है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ कोरोना के केसेस हैं जो चाइना के हिसाब से ये हो गया है कि कांस्टेंट कर दें। चलो बाकी किसी और कंट्री को ले लेते हैं, कोई और कंट्री लेंगे तो सेकंड नंबर पे आज के टाइम पे इटली है, जहाँ पे ऑलमोस्ट 41,000 क्रॉस कर चुके हैं केसेस। अब ज़रा यहाँ पे राइज़ देखिए आप, ये कितना एक्सपोनेंशियल राइज़ है, ये देखिए। तो इटली में हमको एक्सपोनेंशियल राइज़ दिखा, राइट। इनफैक्ट आप देखिए टोटल नंबर ऑफ न्यू केसेज जो डेली आ रहे हैं, बिल्कुल एक्सपोनेंशियल राइज़ दिख रहा है। इटली के बाद ईरान पे चलते हैं। ईरान में तकरीबन 18,500 केस हैं और इन 18,500 केसेस में ज़रा टोटल केसेस देखिएगा, ये देखिए किस तरह से राइज़ है पर डे बेसिस पे। वंस अगेन काफ़ी राइज़ है यहाँ पे। अच्छा, ईरान के बाद एक काम करते हैं, हम स्पेन देख लेते हैं। यहाँ पर भी 18,000 के आसपास केस है, 18,500 केस ईरान में था। ज़रा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी उसी तरह का एक्सपोनेंशियल राइज़ देखने को मिल रहा है यार। जो दिखने को मिल रहा है वो ये काफ़ी वक्त तक के बहुत तेज़ राइज़ नहीं, फिर एकदम ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लोजन जैसा हो गया। यहाँ पर भी देखिए आप किस तरह से राइज़ हो रहे हैं केसेस स्पेन। इसके बाद आप आइए जर्मनी, 18,500 और ये आता है 16,000 के आसपास केस यहाँ पे। जर्मनी के वैसे एंजेला मर्कल जी ने जर्मनी की राजधानी तक, जर्मनी का पॉपुलेशन तकरीबन 80 मिलियन के आसपास है, वैसे उन्होंने एंजेला मर्कल जी ने बोल दिया कि 60 से 70% लोग पॉसिबिलिटी है कि इन्फेक्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं, भगवान ना करे ऐसा करे, गॉड फॉरबिड ऐसा हो। ज़रा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी आपको एक्सपोनेंशियल राइज़ दिख रहा है। डेली न्यू केसेज में देखिए, यहाँ तक तो खैर क्या ही केसेस थे, 29 से लेके यहाँ तक भी फिर भी कांस्टेंट थे। देखिए पिछले एक सप्ताह में किस तरह से केसेस राइज़ किए। अब आइए यूनाइटेड स्टेट्स। अगर आपने जो चैनल के एविड फॉलोअर होंगे, अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो मैंने साउथ कोरिया US को कंपेयर किया था। उस समय US में नंबर्स थे 9,500, मैं तब से US को कवर किया हूँ जब US में केसेस थे 50 से भी कम केसेस थे। आज अनफॉर्चुनेटली ऑलमोस्ट 14,500 के आसपास केसेस हैं। ये एक थोड़ी देर पहले तक के 155 डेथ्स थे इसके। ज़रा नंबर देखिए तो माय गुडनेस कितनी तेज़ी से एस्केलेट कर रहा है यार ये नंबर। और अब आइए यहाँ पे ये देखिए, ये बताना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मोदी साहब ने कल अपने स्पीच में जो एक बात बोला है वो ये है कि इनिशियल नंबर्स के बाद ये देखने को मिला है कि एकदम तेज़ी से नंबर्स एक्सपोनेंशियली राइज कर रहे हैं। और इसलिए आपने सुना होगा कई सारे प्रिंट मीडिया में या न्यूज़ चैनल्स में कि अभी जो नेक्स्ट 14 डेज़ हैं, मतलब आज मैं जब वीडियो बना रहा हूँ 20th, मतलब अगले 14-15 दिन जो है वो इंडिया के लिए बहुत क्रिटिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और चीज़ बता देता हूँ, आज के टाइम पे जो कोरोना फैल रहा है इसके 4 अलग अलग स्टेजेस हैं। हालांकि मैंने इसका इस टर्म का मीनिंग आपको पिछले वीडियो में बताया था। सबसे पहला स्टेज जो होता है उसको बोलते हैं इम्पोर्टेड केसेस। ये है स्टेज 1 इम्पोर्टेड केसेस। इम्पोर्टेड केस में कोई ऐसा व्यक्ति, मान लेते हैं कोई भारत का नागरिक है, वो कहीं पे गया हुआ था, चाहे वुहान ले लो, इटली ले लो, कहीं पर भी ले लो, ईरान ले लो, और वहाँ से जब वापस आया तो ये पाया गया कि वो पॉजिटिव है, तो इस तरह के केसेस कहलाते हैं इम्पोर्टेड केसेस। ठीक है जी, सेकेंड केस पे आते हैं। इसके बाद आता है लोकल ट्रांसमिशन। तो जो इंसान पॉजिटिव होकर आया इंडियन टेरिटरी में, उसके कॉन्टैक्ट में जो भी आए वो लोग पॉजिटिव हो गए, ये लोकल केस, इसको बोलते हैं लोकल ट्रांसमिशन। बाय द वे मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया यहीं पे अभी, ठीक है, हम अभी यहीं पे हैं लोकल ट्रांसमिशन में। और ये कंसिडर करते हुए कि भारत जिसकी आबादी 130 करोड़ है, आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी इसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। थर्ड केस आता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। कम्युनिटी ट्रांसमिशन मतलब ये बहुत लार्ज लोगों के बीच में, लार्ज एरियाज़ में ट्रांसमिशन इस केस में देखने को मिलता है। वो लोग पेशेंट हो जाते हैं इसके जो ना ही खुद कहीं ट्रैवल किए होते हैं और ना ही इन्फेक्टेड लोगों के मतलब आसपास आए होते हैं। इस तरह का ट्रांसमिशन कहलाता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। आज 20th को जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कल 19th को ये बात मतलब क्लियर होनी थी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है कि नहीं। तो बेसिकली रैंडम नंबर पे कुछ 100 लोगों का डेटा लिया जाता है और उनको चेक किया जाता है और इससे डिसाइड किया जाता है कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है कि नहीं। अभी ये चीज़ थोड़ी दिन के बाद फिर से चेक की जाएगी कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है कि नहीं। तो जब मैं आज वीडियो बना रहा हूँ तो आज तो लोकल ट्रांसमिशन पे है इंडिया, राइट। तीसरा एपिडेमिक, तो फिर महामारी का ही रूप ले ले, समझ में ना आए कि इसका अंत कब होगा, जैसे कि है चाइना, राइट। मैं आपके साथ एक चीज़ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, ये मुझे काफ़ी अच्छी एक वेबसाइट दिखी थी, मैं चाहूँगा आप ज़रूर देखें, ये है MapMyIndia। ज़रूर जाके देखिएगा, आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे दिखेगा। तो पिक्चर कर्ट्सी MapMyIndia में पहले बता देता हूँ। MapMyIndia में ये थोड़ा सा पुराना हो गया, 206 के आसपास केसेस हैं अभी वैसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो सुबह का ही है। तो आपको जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेट वाइज कोरोना के केसेस, तो आपको समझ में आ जाएंगे स्टेट वाइज अलग अलग केसेस कितने हैं। चाहे आप लेह लद्दाख में क्लिक करेंगे, पंजाब में क्लिक करेंगे, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, आप हर जगह क्लिक करके आप एक बार देखिएगा इसे। इसके बाद जब आप आएंगे सेकंड वाले केस में, कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर 147 ट्रीटमेंट सेंटर्स अभी इंडिया में, तो ये कहाँ पे हैं ज़रूर इसको क्लिक करके देखिएगा। आप जिस भी राज्य में होंगे एक बार ज़रूर देखिएगा, मैंने वेबसाइट का नाम बताया MapMyIndia, तो ये ज़रूर देखिएगा, इसको क्लिक करके तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोरोना ट्रीटमेंट सेंटर्स कहाँ पे अभी इंडिया में। तीसरी चीज़, कोरोना के लिए टेस्टिंग कहाँ पे हो रही है। जैसे मैं आपको छत्तीसगढ़ का एग्जांपल देता हूँ तो आपको एम्स रायपुर यहाँ पे मिल जाएगा। इसी तरह से ये इतने सारे सेंटर्स हैं, कुल मिला के 74 कोरोना टेस्टिंग लैब्स हैं। नेक्स्ट इसके बाद आप देखेंगे तो कोरोना सैंपल कलेक्शन, इस तरह से कोरोना सैंपल कलेक्शन 62 अलग अलग जगहों पे हो रहा है भारत में भी। और आने वाले टाइम पे आपको ये एकदम देखिएगा, आपको मिशन मोड में काम करते हुए दिखेंगे और बहुत सारे जगहों पे हो रहा होगा। कोरोना आइसोलेशन सेंटर्स, ये 1 से शुरू हुआ था और अभी के टाइम पे आइसोलेशन सेंटर जो है 206 के आसपास है, ये रहा है वो आइसोलेशन सेंटर्स। एक बार ज़रूर जाके इन अलग अलग चीज़ों को क्लिक करके देखिएगा। अब आता हूँ मैं कल की स्पीच पे। कल की स्पीच में आने के पहले मुझे ऐसा लगता है यूनाइटेड स्टेट्स के भूतपूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी का एक स्टेटमेंट ज़रूर दिखाता हूँ आपको। आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री। ये मत पूछो कि देश आपके लिए क्या कर सकता है, आपका राष्ट्र आपके लिए क्या कर सकता है, ये देखो कि आप अपने राष्ट्र के लिए क्या कर सकते हो। मेरे ख्याल ये जॉन एफ कैनेडी का जनवरी 1961 का ही स्पीच है, ये उनकी इनॉग्रल एड्रेस था। ये बहुत फेमस स्टेटमेंट है। इसको दिखाने का कारण ये, जब मैं वीडियो फिनिश करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो ये मोदी साहब की स्पीच कहीं ना कहीं ये जो चीज़ मैंने आपको दिखाया इससे जस्टिफाई होता है। मोदी साहब ने ये जो स्पीच दिया तो इसके सेशन का मैं कुछ हाईलाइट अगर आपको बताऊं और उसके बाद आपको इलैबोरेट करके समझाता हूँ। तो इसे 3 हाईलाइट्स मैं बोलूँगा। मोदी साहब ने जो पहली चीज़ बोला वो ये है कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें। ये वर्ड आज के टाइम पे आपने बहुत सुना होगा कि 3 मीटर का मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें अपने और अपने समकक्ष के लोगों से। इसके अलावा जिन्होंने स्पेशली हिदायत दिया, ये हाईलाइट्स पहले समझ लीजिए, सीनियर सिटीजन्स को, सीनियर सिटीजन्स अभी सभी सीनियर सिटीजन से रिक्वेस्ट किया, उनको एडवाइस किया कि अगले कुछ सप्ताह तक कोशिश करें कि घर में ही रहें, ज़्यादा ना निकलें। और तीसरी चीज़, क्योंकि ये मत भूलिए कि भारत 130 करोड़ के आसपास की आबादी का देश है, एक बहुत दुनिया का सेकेंड सबसे पॉपुलस कंट्री है ना हम लोग, तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि पैनिक बाइंग मत कीजिए। पैनिक मतलब एकदम घबरा के कुछ भी खरीद रहे हैं जिससे महंगाई एकदम तेज़ी से बढ़ गई, घबराइए मत। ऐसे इकट्ठे करने, होर्डिंग मतलब इकट्ठा करना, एसेंशियल्स को इकट्ठा करने की चिंता मत कीजिए। देखिए जब आपके देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अब इस बात को बोलते हैं तो उसका बहुत इम्पैक्ट होता है, ठीक है, आप इस बात को भी समझिए। तो मेरे हिसाब से उन्होंने बहुत अच्छी चीज़, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों को बोला, ताकि इससे लोगों के बीच में पैनिक थमता है कि हाँ ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इतने बड़े बड़े लोग ये बात बोल रहे हैं तो ठीक है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने बोला, रिजॉल्व एंड रिस्ट्रेन, इसको मैं आपको बताता हूँ कि मोदी साहब ने बोला कि कोरोना जैसे महामारी से आपको लड़ना है तो आपको संकल्प लेना पड़ेगा और संयम बरतना पड़ेगा। तो इन्होंने जो दो चीज़ें बोली वो थी संयम और संकल्प, जिसको अगर हम इंग्लिश में लिखेंगे तो लिखेंगे रिजॉल्व एंड रिस्ट्रेन, मतलब डिटर्मिनेशन। और जो तीसरी, इसके अलावा जो एक और चीज़ उन्होंने बोला वो बोला जनता कर्फ्यू के बारे में। इन चीज़ों के बारे में मोदी साहब ने क्या क्या बोला वो हम लोग देखेंगे। जो इन्होंने रिजॉल्व, संयम और संकल्प के बारे में बोला वो मैंने आपको पहले भी बताया, पिछले वीडियोस अगर आप देख रहे होंगे तो, कि WHO ने पेंडेमिक घोषित कर दिया है कोविड-19 को, कोरोना वायरस डिजीज़ 19 को, राइट। तो इस यहाँ पे 9 नीचे लिख देता हूँ, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये 19 के लिए। और जनता कर्फ्यू के बारे में जिक्र किया, जनता कर्फ्यू क्या है ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बात करते हैं। तो मोदी साहब की ये स्पीच ब्रॉडकास्ट हुई थी बीते कल, मतलब 19 मार्च 2020, आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए 20 मार्च, और ये 30 मिनट के आसपास का मोदी साहब का ब्रॉडकास्ट था जनता के नाम। अब एक बार फिर से आपको बताता हूँ, ये मत भूलिएगा कि 2.5 लाख के आसपास कोरोना के केसेस हैं, और मैंने आपको ये दिखाया कि टॉप 6 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, चाइना, इटली, ईरान, स्पेन, जर्मनी एंड US। चलिए चाइना को तो छोड़ दीजिए, चाइना के अलावा बाकी आप कोई सा भी केस देखेंगे तो आपको बहुत एक्सपोनेंशियल राइज दिखेगा। एक साउथ कोरिया और US को कंपेयर करके मैंने वीडियो बनाया था, ज़रूर देखिएगा किस तरह से साउथ कोरिया में यही एक बेल कर्व के रूप में दिखेगा, चाहे नंबर ऑफ़ केसेस कैसे कम हो रहे हैं या नंबर ऑफ़ डेथ्स कैसे कम हो रहे हैं। ये मैंने वीडियो बना रखा है, कल ही रिलीज़ किया था उस वीडियो को, ज़रूर देखिएगा। तो मोदी साहब ने अभी आके अपने हम सभी लोगों से, पूरे देश से एक आग्रह किया कि ये एक बहुत ही सीरियस क्राइसिस है, एक बहुत ही बड़ा सीरियस नेचुरल क्राइसिस है, इसको बिल्कुल हल्के में ना लें, इस तरह से ना सोचें, क्योंकि इसके पहले तक जो भी नेचुरल क्राइसिस थे वो किसी एक देश को, किसी एक स्टेट को, या हो सकता है किसी एक पर्टिकुलर जगह को इन्फेक्ट करते थे या फ़र्क पड़ता था उससे, लेकिन ये एक ऐसा क्राइसिस है जिसने मानव इतिहास में इतना बड़ा क्राइसिस, आप खुद याद करो ना, आप कब सुने होंगे। आज के टाइम पे मोदी साहब ने एक जो बात बोली जो कि ठीक भी बात है कि वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 का इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ था जितना इस कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हो गया। आज के टाइम पे इस कोरोना वायरस का इम्पैक्ट जो है वो वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 से भी ज़्यादा है। पिछले 2 महीने में अगर आप देखेंगे तो आप कंटिन्यूसली कोरोना के बारे में आप याद करो, आप पिछले 2 महीने में हम लोग, मेरे ख्याल से मैं खुद शायद 8-10 वीडियोज़ पर बना चुका हूँ, 8 वीडियो शायद हो चुके होंगे। पिछले 2 महीने में हर न्यूज़ चैनल में 24 घंटे आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं कोरोना ये सब आता ही रहता है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 महीने में आपने कंटिन्यूसली कोरोना के बारे में सुना होगा, 130 करोड़ भारतवासियों ने, भारत के नागरिकों ने पिछले 2 महीने में काफ़ी अच्छा डट के मुकाबला किया है, लेकिन ये चीज़ के लिए कॉम्प्लेसेंट ना हो कि बस हो गया, हमारे यहाँ कुछ नहीं होना। ये चीज़ बिल्कुल सही बात है कि कॉम्प्लेसेंसी खतरनाक है, और ये बात मोदी साहब ने मेरे ख्याल से इसलिए भी कहा क्योंकि मैंने आपको एक ग्राफ दिखाया था, और वो ग्राफ जो था बहुत तेज़ी से एस्केलेट होने वाला कुछ दिनों के बाद, वो ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो मोदी साहब ने जो कहा वो यही कहा कि बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि कॉम्प्लेसेंट ना हो कि हाँ हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा कुछ फैल नहीं रहा तो हमारे यहाँ पे शायद फैले ना। मोदी साहब ने एक और बात कहा कि मैं जब भी आपके पास आया हूँ, किस चीज़ के लिए मैंने रिक्वेस्ट किया, किस चीज़ को आपके लिए आपको बोला है, तो आप सभी लोगों ने इसका मिल के साथ दिया, हम सभी लोगों ने इसका मिल का मुकाबला किया और सक्सेसफुल भी हम रहे हैं। इस बार जब मैं आपके पास आया हूँ तो मुझे आप लोगों के कुछ सप्ताह चाहिए, और इसका मतलब हालांकि कुछ सप्ताह ये नहीं बोला उन्होंने कि नेशनल इमरजेंसी लग गई है, हेल्थ इमरजेंसी लग गई है, अभी तो इस बात का जिक्र नहीं किया, हो सकता है कि आने वाले टाइम पे हो, लेकिन एक बात तो ज़रूर बोला है उन्होंने कि जिन देशों में हम देख रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है वहाँ पे, चलो चाइना को छोड़ दिया, चाइना ये भी याद रखो कि कम्युनिस्ट राष्ट्र है, कितना ही डेटा निकलता है चाइना से बाहर यार, मैं तो बहुत ज़्यादा फ्रैंकली स्पीकिंग तो मैं बहुत बिलीव भी नहीं कर रहा हूँ उस डेटा पे, लेकिन चलो ठीक है, इंटरनेशनल मीडिया से लेके हर एक कोई यही डेटा मान रहा, तो मैंने आपको ग्राफ दिखा दिया। हालाँकि मोदी साहब ने एक बात कहा कि आप देखो तो जिन कंट्रीज़ में कोरोना का बहुत ज़्यादा नंबर, वहाँ पे आप देखो एक सडन डेफिनेट टाइम के बाद कितनी तेज़ एक्सप्लोजन। इटली का देखो, आपको मैंने इसमें आपको थोड़ी देर पहले भी दिखाया था कि 2 मार्च के बाद आप नंबर देख रहे हो, पिछले 2 हफ्ते में एक्सप्लोजन देखो नंबर्स का। आप ये ईरान का पिछले 2-2.5 हफ्ते में एक्सप्लोजन देखो आप, इसी तरह से यूएस का देखो आप, कोई भी कंट्री आप देखो पिछले 2-2.5 हफ्ते में बहुत तेज़ से एक्सप्लोजन हुआ है। और यही चीज़ मोदी साहब ने बोला है कि हो सकता है कि भगवान ना करे, गॉड फॉरबिड, कि हम एग्जैक्टली हम अभी, मैंने आपको बताया, स्टेज 2 में है, तो अभी हम लोग एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे हैं। या तो हम इससे निकल जाएंगे, और अगर एक्सप्लोजन हुआ तो फिर बहुत तेज़ एक्सप्लोजन होगा। और उस देश में एक्सप्लोजन जहाँ पे 130 करोड़ की आबादी है, ये बहुत ही डेट्रीमेंटल हो जाएगा, बहुत ही खतरनाक हो जाएगा, राइट। तो जहाँ पर भी ये देखा गया कि इतने तेज़ एक्सप्लोजन हुआ, आपने देखा कितने एकदम ज़बरदस्त तरीके से एस्केलेट हो गया, राइट। तो मोदी साहब ने जो चीज़ बोला है कि ये जो 2 वर्ड्स, संकल्प और दूसरा संयम, ये दोनों चीज़ों को बनाए रखें। और ये संकल्प और संयम कैसे बनाए रखें, आप मुझसे ये पूछेंगे सर कैसे बना के रखें। मोदी साहब ने जो बोला वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक भारत के नागरिक होने के नाते, जैसे कि राष्ट्र, सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, आपकी भी एक ड्यूटी बनती है। और वो ड्यूटी सिंपल भाषा में जो उन्होंने बोला, हम स्वस्थ तो जग स्वस्थ, बिल्कुल सही बात है। आप अभी सबसे पहले अपने आप को स्वस्थ रखिए, मेक श्योर करें कि आप स्वस्थ रहें। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके आसपास के लोग स्वस्थ रहेंगे। अब आप मुझसे बोलेंगे सर वो कैसे रहेंगे हम लोग, मतलब हाउ डज वन प्रैक्टिस पेशेंस। पेशेंस इसमें टाइम लगेगा, ये क्विक फिक्स में नहीं होगा कोरोना, ठीक। सिर्फ इकोनॉमी की बात नहीं है ये, ऐसे भी मतलब मेरा पर्सनल ओपिनियन अगर आप पूछेंगे तो चाइना ने हालांकि बोला है कि अगर सभी लोग, पूरी दुनिया भिड़ जाए और पूरी दुनिया कंट्रोल करने के लिए एकदम एग्रेसिव हो जाए तो 30 जून तक के इस पर कंट्रोल किया जा सकता है। एक तो पूरी दुनिया को वायरस दे दिया, उसके बाद यही लोग ज्ञान दे रहे, क्या रेडिकुलस पॉइंट है। चलो छोड़ो, जाना तो चाइना को जो भी बोला है जो जाने दीजिए। लेकिन मैं आपको एक, मेरे हिसाब से तो 30 जून बहुत डिफिकल्ट है, एक मेरा पर्सनल ओपिनियन, ज़रूरी नहीं कि सही हो। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर पूरी दुनिया भीड़ भी जाए ना तो अगस्त-सितंबर तक आपको ये कंट्रोल होता हुआ दिखेगा। आई एम रियली सॉरी टू से, बट ऐसा मेरा ओपिनियन, ज़रूरी नहीं कि सही हो, बट दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। तो पहली चीज़ आप मुझे पूछेंगे सर कैसे कोई प्रैक्टिस करे, करेक्ट है ना, हाउ डज वन प्रैक्टिस पेशेंस। सबसे पहली चीज़, सबसे बेसिक चीज़, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखिए। सोशल डिस्टेंसिंग आप देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों में बहुत ही टर्म फ्लोट कर रहा है, ये मत भूलिएगा। हम एक ऐसे वायरस के बारे में बात कर रहे हैं जो कि पेंडेमिक है, तो उसके लिए आपको दृढ़ संकल्प, डिटरमिनेंट होना पड़ेगा। और इसलिए मोदी साहब ने जो 2 वर्ड्स बोले हैं वो है संकल्प और संयम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज़ आपको मैं एक और बात बताऊँगा कि ना सिर्फ ये, बल्कि मोदी साहब ने जो एक और बात बोला, कोशिश करें अगर वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो घर से बैठ के काम करें। हालांकि इससे इम्पैक्ट पड़ेगा बिजनेस को यार, लेकिन जान है तो जान है, पैसा तो दोबारा भी बना लेंगे, राइट। उसके लिए जिंदा रहना भी तो ज़रूरी है। मोदी साहब ने जो एक और बात कहा वो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर मैं शेयर करूँ आपसे, जो भी एसेंशियल्स, ये एसेंशियल में उन्होंने डिफाइन भी किया, चाहे वो एक्सक्यूज़ मी, गवर्नमेंट सर्विस में लोग हों, चाहे वो हेल्थ सर्विस में हो, चाहे ऐसे लोग हों जो मीडिया में हो, ये लोग जो टाल नहीं सकते, जिनको आप पहुँचना ज़रूरी है अपने ऑफिस में, बिल्कुल पहुँचें। बाकी लोग अगर हो सके तो अपने आप को पूरी तरह से सेक्ल्यूड कर लें, अलग कर लें सोसाइटी से कुछ वक्त के लिए। इतना ही बहुत बड़ा स्टेप होगा आपके लिए। स्पेशली जो 65 ईयर्स या उससे ज़्यादा के बुजुर्गवार हैं, उनसे वो रिक्वेस्ट किया मोदी साहब ने, और बिल्कुल उनको एडवाइस भी दिया कि जितना हो सके अगले 2 हफ्ते के लिए अपने आप को दूर रखें। मोदी साहब ने एक और चीज़ के बारे में बताया और वो है ब्लैकआउट ड्रिल्स। मोदी साहब ने बताया आज के समय हो सकता है कि जो आज के बच्चे हैं या आज के लोग हैं, शायद ब्लैकआउट ड्रिल्स के बारे में, या ब्लैकआउट, जब पहले युद्ध जब होता था तो क्या करते थे, युद्ध के वक्त पे घरों के कांच के शीशे जो बंद कर दिया जाते थे, काला पेंट कर दिया जाता था, ताकि जो अटैक करने वाले आर्मी है या जो एयरक्राफ्टों से दिखे ना, ताकि ब्लैकआउट हो जाए। इनफैक्ट इस तरह से ब्लैकआउट ड्रिल्स भी किए जाते थे। तो कुछ कुल मिला के समझ लीजिए कि हमको कुछ इसी तरह की चीज़ करने की भी ज़रूरत है। तो मोदी साहब ने कहा कि अभी 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक एक पीपल कर्फ्यू, मतलब लोगों का कर्फ्यू। पीपल कर्फ्यू से आप घबराइएगा मत, एक फंडामेंटल ड्यूटी है वो आपकी। एक जो बहुत ही कैटेगोरिकली क्लियरली जो मोदी साहब ने स्टेटमेंट बोला, मैं आपको जरूर लिख के बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पीपल्स कर्फ्यू मीन्स एक ऐसा कर्फ्यू विच इज़ इम्पोज्ड फॉर द पीपल, हमें, हमारे लिए ऑफकोर्स, बाय द पीपल एंड ऑन द पीपल देमसेल्व्स। दिस इज़ व्हाट पीपल कर्फ्यू इज़। तो 22 मार्च को सुबह 22 मार्च, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 22 मार्च को सुबह 7 बजे से रात के 9 बजे तक, याद रखिएगा सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक के। एक और बात जो मोदी साहब ने बोला है उसमें एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, और वो ये है कि कोशिश करें कि इस वक्त पे बिल्कुल अनलेस अनटिल कोई इमरजेंसी हो बिल्कुल घर से ना निकलें। इसके अलावा रिस्ट्रेन करें, अपने आप को घर से निकालना अवॉइड करें, तभी इसका सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है। इसका सक्सेसफुल होना ये बताएगा कि एक राष्ट्र के रूप में हम कितना तैयार हैं कोरोना से लड़ने के लिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोशिश करें, मेक श्योर करें जितने भी लोग कम से कम 10 कॉल्स डेली करें, अगले 2 दिन में जितना प्रोपगेट कर सकते हैं प्रोपगेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं इस पीपल्स कर्फ्यू के बारे में। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग होंगे, जितने ज़्यादा लोगों को आप बता पाएंगे ज़रूर बताइए। कुल मिला के ये एक तरह का लिटमस टेस्ट होगा हम सभी के लिए, अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है, अगर फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है एक इमरजेंसी घोषित करने की, जो कि हमारे लिए होगा ना। मतलब इतना देखिए यूएस में, इटली में, स्पेन में एस्केलेट क्यों हुआ आप बताइए, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रम्प साहब को पहले करना चाहिए था या इटली को पहले करना चाहिए था, स्पेन को, वही तो चीज़ वहाँ पे नहीं किया ना उन्होंने। तो कुल मिला के ये जो चीज़ हो रही है ये एक लिटमस टेस्ट की तरह है। एक और चीज़ उन्होंने बोला कि अगर ऐसा भी हो कि अगर आप रेगुलर हॉस्पिटल्स अगर जाते होंगे और अगर आपकी कोई चेकअप होगा, रेगुलर चेकअप होगा, उसको आप टाल सकते हैं थोड़ा सा तो टाल दीजिए। रूटीन चेकअप्स अगर होंगे तो उसको टाल दीजिए। अगर कोई आपकी सर्जरी वगैरह उसको आप टाल सकते तो बिल्कुल टाल दीजिए। एक बात जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मैं ज़रूर आपसे शेयर करूँगा, ये डॉक्टर साहब की फ़ोटो ट्विटर में बहुत अभी चल रही थी। ये फ़ोटोग्राफ जो है यहाँ पे देखिए, नीचे आपको टाइमिंग दिखेगा 18/3/2020। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर साहब ने, आई स्टेड एट वर्क फॉर यू, यू स्टे एट होम फॉर अस। कितना मतलब बड़ी बात इन्होंने लिखा है। आपने देखा होगा तो पिछले 2 महीने से लाखों लोग, और इसको मोदी साहब ने भी इस चीज़ को बोला, लाखों लोग हॉस्पिटल्स और एयरपोर्ट्स में काम कर रहे हैं। ये देखिए मोदी साहब का, नरेंद्र मोदी साहब का आपको ट्विटर हैंडल दिखेगा, उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, चलिए एक बार पढ़ते हैं। वेल सेड डॉक्टर, और एक शाउट आउट दिया है, ऑल्सो शाउट आउट टू ऑल दोज वर्किंग टू मेक अवर प्लैनेट सेफर एंड हेल्दियर। No words will ever do justice to their exceptional efforts. India fights corona. आपने देखिए इसी फोटोग्राफ को मोदी साहब ने रीट्वीट किया, इन डॉक्टर साहब ने ये फोटोग्राफ सोशल मीडिया में पोस्ट किया था 18 तारीख को, आप देख सकते हैं दोपहर के, इतनी फ़ोटो खींचा था। उसके बाद मोदी साहब ने इस चीज़ को रीट्वीट किया था 18 तारीख को ही। तो मोदी साहब ने इसी कल के अपने स्पीच के दौरान एक बात बोला कि आपने देखा होगा पिछले 2 महीने में बहुत सारे डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गए, हॉस्पिटल स्टाफ्स हो गए, सैनिटेशन के लिए काम करने वाले वर्कर्स हो गए, गवर्नमेंट स्टाफ हो गए, पुलिस पर्सनल्स हो गए, मीडिया के लोग हो गए, और सिर्फ यही नहीं इसके अलावा ट्रेन, बस, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हो गए आपके। यार आप खुद याद करो ना, आप इतना सारा जोमेटो से ऑर्डर करते होगे, स्विगी से ऑर्डर करते होगे, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से ये आने सामान लाने वाले लड़के हो गए, ये सब भी तो एक्सपोज कर रहे हैं ना अपने आप को कोरोना के लिए। तो सोचिए कितनी बड़ी बात है कि ये लोग फिर भी काम कर रहे हैं, आप इस सर्कमस्टांसेस में ये लोग फिर भी काम कर रहे हैं और सभी लोग आपको आपका सामान डिलीवर कर रहे हैं। तो मोदी साहब ने एक लाइन बोली जो मुझे लगा ज़रूर कृतज्ञता व्यक्त करना ही चाहिए सभी लोगों के लिए, द नेशन इज़ ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम, एब्सोल्यूटली। और हम सब भी, ऑल ऑफ अस शुड बी ग्रेटफुल टू ऑल दीज पीपल जिन्होंने पिछले 2 महीने से सब कुछ लगा के देश के लिए मेहनत कर रहे हैं। ना सिर्फ ये, इसके लिए एक चीज़ जो बोला है बिल्कुल लिख के रखिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा इस टाइम पे हम सभी, बिल्कुल ये बहुत अच्छी चीज़ है। 22 तारीख को सुबह से देखिए 7 से लेकर 9 बजे तक, सुबह से 7 से लेकर 9 बजे तक लोगों का कर्फ्यू रहेगा, पीपल्स कर्फ्यू रहेगा। और 22 तारीख को मतलब संडे को शाम को 5 बजे सभी लोग इकट्ठे होइए अपने अपने घर की बालकनी में, अपने घर के वरांडे में, जहाँ पर भी इकट्ठा हो सकते हैं, और ताली बजा के अगले 5 मिनट तक ताली बजा के, डोरबेल बजा के, वो चम्मच से थाली वगैरह को पीट के, एक कृतज्ञता व्यक्त करने का तरीका। अल्टीमेटली सेवा परमो धर्मा, बिल्कुल सही बात है, हिंदुज़म में लिटरेचर में भी यही चीज़ लिखा है, सेवा परमो धर्मा। तो ये चीज़ भी उन्होंने कहा। एक और बात जो मोदी साहब ने कहा कि हाँ बिल्कुल ये बात क्लियरली विजिबल है कि इससे इकोनॉमी को भी बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि हम एक कोविड-19 इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स बना रहे हैं। अच्छा बाय द वे, इसको हेड करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हमारे निर्मला सीतारमण जी, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। और आने वाले टाइम पे ये देखेंगे कि कोरोना वायरस का और कितना इम्पैक्ट हो रहा है देश की इकोनॉमी में, देश की अर्थव्यवस्था में, और उससे रिलेटेड फैसले जो है अब आप देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू जो फैसले होंगे वो ये इकोनॉमिक रिस्पॉन्स टास्क फोर्स मतलब निर्मला सीतारमण जी के नेतृत्व में लिया जाएगा। मोदी साहब ने एक और बात कहा कि देखिए इस दौरान क्योंकि ये वायरस पेंडेमिक हो गया, इतनी तेज़ी से पूरी दुनिया में फैला है, तो क्लियरली विजिबल है कि देश के मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को और पुअर सेगमेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। तो जितने भी लोग रिच क्लास के लोग हैं या जितने भी लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, उनके अंडर कोई भी काम कर रहा है, तो प्लीज़ एम्पैथी को बनाए रखें। ये भी ध्यान रखें कि जो लोग आपके यहाँ काम कर रहे हैं उनको भी अपने आप को, अपने परिवार को इस वायरस से बचाना है, उनको भी खाना खाना है, दो वक्त की रोटी चाहिए। तो ये बात ध्यान रखें, उस एम्पैथी को बनाए रखें लोगों के लिए, और कोशिश करें कि सैलरी वगैरह को मतलब जितना उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कट ना करें, ये सब ना करें, मतलब एम्पैथी को ज़रूर बनाए रखें। ह्यूमन टू ह्यूमन एम्पैथी बने रहनी चाहिए, राइट। तो अल्टीमेटली जो मोदी साहब ने कहा है वो यही है, और कुल मिला के यू टू मस्ट गिव योर फुल कंट्रीब्यूशन, ठीक उसी तरह से जिस तरह से स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, पंचायत, पीपल रिप्रेजेंटेटिव, सोशल सोसाइटीज़, सारे के सारे लोग इकट्ठे हो गए और सारे के सारे लोग इस ग्लोबल पेंडेमिक को हराने के लिए इकट्ठे हो गए, राइट। तो ये ग्लोबल पेंडेमिक जो है अल्टीमेटली हम सभी ये कोशिश कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी इमर्जेस विक्टोरियस, इंडिया इमर्जेस विक्टोरियस। तो यहाँ पे मोदी साहब ने फिर अपने स्पीच को समाप्त किया। तो ये था मोदी साहब की जो स्पीच थी, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा सभी को। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब का राष्ट्र के नाम संदेश। तो ये था हमारा आज का डिस्कशन जो कल मोदी साहब की स्पीच थी उस पर। आप मुझे बताइएगा कि आप और क्या क्या सजेस्टिव रिमार्क्स दे सकते हैं, और तैयार रहिएगा 22 को सुबह 7 बजे से लेके रात के 9 बजे तक के पीपल कर्फ्यू के लिए, और शाम को 5 बजे मिलना बिल्कुल मत भूलिएगा। शाम को 5 बजे मिलते हैं सभी लोग, और बिल्कुल हो सके तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने क्या किया, ताली बजाया, डोर बेल बजाया, किस तरह से अपना ग्रैटिट्यूड आपने दिखाया, फाइन। तो आज की क्लास यहाँ पे फिनिश करते हैं। तो मैं सौरभ ठाकुर आप सभी लोगों से विदा लेता हूँ, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलेंगे। बाय बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।